आयकर दफ्तर ऑफिसर की पीए की पहचान बताकर दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर थाना अंतर्गत बारासात के चिकित्सक देवव्रत दास से 70 लाख रुपए की मांग की गई। साथ ही ये भी आरोप है कि पैसे ना मिलने पर मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन पुलिस की तत्परता से 12 घंटे के अंदर ही आरोपी और उसके एक साथी को धर दबोचा गया। पुलिस और चिकित्सक के अनुसार 14 अप्रैल की सुबह जयनगर के निवासी आमिर हुसैन सरदार की तरफ से चिकित्सक को फोन किया गया। आमिर फोन पर खुद को युवा कांग्रेस के सह सभापति के रूप में परिचय दिए। पहले आमिर ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार का प्रचार के लिए बैनर बनाने के लिए एक मोटी रकम की मांग की थी, पर चिकित्सक के मना करने से दूसरे दिन यानी 15 अप्रैल को फिर से एक अनजान फोन कॉल आया। इस बार इनकम टैक्स ऑफिसर के पीए की पहचान देते हुए फोन करने वाले ने बताया कि चिकित्सक की आईटी फाइल में काफी सारी गड़बड़ी है। चिकित्सक ने इस बारे में वकील से बात करने की बात करते हुए फोन रख दिया। इसके बाद से लगातार चिकित्सक को 70 लाख रुपए देने की धमकी दी गई। लगातार हर दिन फोन पर पैसे ना देने पर और साथ ही पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। आने वाले कुछ ही दिनों में घर की बेटी की शादी होने के कारण चिकित्सक के पास फिलहाल ज्यादा पैसे ना होने के कारण आरोपी आमिर और उसके साथी गौरांग हलदार ने उसे एक एक लाख के दो चेक आमिर के बताए पते पे छोड़ देने को कहा। चिकित्सक ने भी आमिर की बात मानते हुए आमिर और गौरांग को पैसे दे दिए, लेकिन घर पे इस बात की जानकारी होते ही चिकित्सक के परिवार के सदस्यों ने उन्हें पुलिस को सूचित करने कहा। 20 अप्रैल को चिकित्सक ने जयनगर थाने में ये पूरा बकाया को बयान करते हुए इस घटना की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद जयनगर थाने की आईसी अतनु सांत्रा ने चिकित्सक को मिलने वाले फोन नंबर की मदद से 12 घंटे के अंदर ही आरोपी आमिर और गौरांग को गिरफ्तार किया। আমাদের গতকাল আমির হোসেন সর্দার নামে একজন আমার যুব কংগ্রেসে একজন প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার হয়। যখনই আমরা জানতে পারি সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করি। আলোচনা করে যতদিন পর্যন্ত সে অভিযোগ থেকে রেহাই না পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।